हरे कृष्णा, सभी भक्तों को स्वागत है। वी जस्ट स्टार्टिंग विद कीर्तन। थोड़ा कीर्तन करेंगे 5 मिनट और फिर प्रवचन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? जय राम रामा पंजाब बिहारी। गोपी जनवर गिरिवर धारी, गोपी जनवर गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जनरंजना, यशोदा नंदन यशोदा ब्रज जनरंजना। यमुना तीर्थ जाऊं जय राम जय राम पंजाबी हारी। जय श्री हे कृष्णा जय श्याम प्रभु नित्यानंद गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय
गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा सभी को। तो हर रविवार को हमारे घर पे ये भक्ति वृक्षा का कार्यक्रम होता है। तो आज हमारे बीच में मेरी मम्मी हर ग्रेस राग मंजरी माता जी है और मम्मी भगवद गीता पे प्रवचन देने वाली है। तो मम्मी ने ही हम लोगों को भक्ति में लाया है। और पहले मम्मी आई थी उस दिन श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव था, उस वाले दिन मम्मी ने पहली बार इस्कॉन में कदम रखा था। और उसके बाद मम्मी भक्त बनी और मम्मी ने हमें भी भक्त बनाया। उस वक्त हम लोग काफी छोटे थे तो मम्मी को भी काफी ज्ञान है। मम्मी 6 महीने पूना में रहती, 6 महीने वृंदावन में रहती है। वृंदावन में मम्मी डेली 64 राउंड्स करती है और निरंतर वांचन करते रहते हैं। सब रिस्पॉन्सिबिलिटी से मम्मी मुक्त हो चुकी है, सबकी शादियां सब लोग सेट हो गए। तो मम्मी का अभी सिर्फ यही है कि भजन कीर्तन करो, श्रवणम कीर्तन करो और प्रचार करो। तो मैं मम्मी का स्वागत करती हूँ और मम्मी की तरफ जरा कैमरा मोड़ देती हूँ ताकि हम सभी सुन सके। 1 सेकेंड। तो हम लोग स्वागत करते हैं हर ग्रह राग मंजरी माता जी की। जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद धन्यवाद। तो मम्मी मंगलाचरण से स्टार्ट करेगी अभी, ठीक है ना? चलो। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदाम्बरं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साजनातां सहगणमरघुनाथान्वितं सदैवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाश्रितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णप्रदं सहगणमरघुनाथं श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। प्रभु पाद की जय। गुरुदेव की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। गौर प्रेमानंद। आज के भगवद गीता कक्षा में आप सबका स्वागत है। अभी आज हम भगवद गीता का दूसरा अध्याय का 7वां श्लोक समझने का
और बोलने का प्रयत्न करेंगे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव रुच्छामि त्वां धर्म समुदचेताः यच्छ्रेयस्यानि स्थितं ब्रूहि तन्मे यच्छ्रेयस्यानि स्थितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानि निश्चितं ब्रूहि तन्मे निश्चितं ब्रूहि शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। अभी श्री प्रभुपाद द्वारा हम ये श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं प्रभुपाद ने लिखा परपोट पढ़ती हूँ। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे हे केशव पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से मुझे बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश कीजिए। अभी ये श्लोक किसके बारे में लिखा है कि अर्जुन को विषाद हो गया है। क्यों विषाद हो गया है? कि भगवान बोलते कि अर्जुन तुझे तेरा कर्तव्य कर्म युद्ध करना पड़ेगा, पर अर्जुन क्या बोलता है, मोहवश उसको उसकी दुर्बलता क्या है, मोह है कि अरे मैं युद्ध करूंगा, मेरे आचार्य मर जाएंगे, मेरे संबंधी मर जाएंगे, मेरे गुरु सब मर जाएंगे तो मुझे पाप लगेगा, और समझ उनको मार के भी मैं स्वर्ग स्वर्ग का भी राज्य प्राप्त कर लूंगा तो मुझे लाभ क्या है, मैं अकेला किसके साथ आनंद शेयर करूंगा। और इस कारण अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता है। तब भगवान उसे समझाते तो फिर अर्जुन को लगता है अभी मुझे सत्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो अब अर्जुन क्या करता है, भगवान की शरण लेता है, भगवान को गुरु बनाता है, और भगवान अर्जुन का मित्र भी है ना, अभी गुरु बनता है। अभी भगवान को शरण हो गया अर्जुन, भगवान की मदद मांगता है, तो भगवान क्या करते हैं, उसको सत्य ज्ञान कराते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन तू युद्ध करना नहीं चाहता है मोहवश, और मोह के कारण तुझे शोक हो गया है कि नहीं मुझे युद्ध नहीं करना, मैं युद्ध करूंगा तो ये होगा वो होगा, मैं पाप का भागी बनूंगा, मैं नरक में जाऊंगा, ऐसे सब। तो तू मोह छोड़ दे, क्यों कि ये तेरी दुर्बलता है, तू शरीर स्तर पर एक ज्ञान रख रहा है, और शरीर तो एक दिन नश्वर है, नाश होगा, आत्मा अमर है, तू आत्मा के स्तर पर देख, ये सब एक न एक दिन तो मरने वाले हैं। तो अभी हम डिटेल में देखेंगे कि भगवान अर्जुन को कैसे ज्ञान देते हैं। भगवान कहते विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है, कृष्ण भावनामृत में वह दक्ष नहीं है, तो उसे गुरु बनने का अधिकार नहीं है। किंतु शूद्र यदि यह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। तो यहाँ एक गुरु की क्वालिफिकेशन दिया है, लायका दिया है कि गुरु तत्वदर्शी होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए, हर भगवान का उपदेश इसने पालन किया हुआ चाहिए, और भगवान को पूर्णतया इसने प्रसन्न किया हुआ चाहिए, वो गुरु बन सकता है, बाकी कोई गुरु नहीं बन सकता है। संसार की समस्या
जन्म मृत्यु जरा व्याधि की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे भी राज्य है जो जीवन की सारी सुविधा संपत्ति और आर्थिक विकास से संपन्न है वे राज्य, किंतु फिर भी उन्हें शारीरिक जीवन की समस्या वैसे की वैसी बनी रही है। वे विभिन्न साधनों से ये समस्या का समाधान खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावना अमृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व भगवद गीता भगवतम के परामर्श को ग्रहण करते हैं। अभी ये पैराग्राफ में वो भी भगवान समझाते हैं कि अमेरिका, चाइना, रशिया ऐसे बहुत समृद्ध देश है, उसमें सब सुख सुविधा है, सब घर में सुख के साधन है, बहुत पैसे वाले हैं, सब खरीद सकते हैं, तभी वो लोग सुखी नहीं है। सबको चिंता सताती है, कुछ कुछ दुख है, क्यों? शरीर स्तर का सुख सोते है, आत्म स्तर का सुख की सोच नहीं करते। जब तक जीव भगवान को शरणागत नहीं होते, भगवान की आज्ञा पालन नहीं करते, तब तक उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों? भगवान आनंद कण है, कंद है, भगवान सर्वसमर्थ शक्तिमान है, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी जगत में नहीं हिलता है, तो मनुष्य कैसे उसकी अवगणना करके सुखी रह सकता है? तो हमेशा हमें भगवान की आज्ञा में रहना चाहिए, भगवान ने जो नियम शास्त्र बनाए उसका पालन करना चाहिए करके यहाँ लिखा है कि भगवद गीता भगवतम के परामर्श को जो ग्रहण करते हैं वही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते हैं, तो हे अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती है। इसलिए उसने कृष्ण भावना अमृत का ही आश्रय ग्रहण किया है, यही शांति और समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च ग्रहों की मानव यात्रा क्यों न कर ले, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील सदा रहता है, एक झटके में वो समाप्त हो जाती है। भगवद गीता इसकी पुष्टि करते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्न स्तर पर आकर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है, ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। अभी यही समझाते हैं कि स्वर्ग लोक में बहुत सुख है, स्वर्ग लोक में अमृत रस देवता पीते हैं, सुख के साधन सब है, तभी भी वो दुखी है, वो भगवान का आश्रय लेता है। तो हम तो पृथ्वी पर है, हम इससे भी निम्न स्तर में जी रहे हैं, और हम बहुत अनेक विविध समस्या जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि त्रिताप और हर संकट संघर्ष से गुजर रहे हैं। तो इसका एक ही समाधान है, जब तक हम भगवान को नहीं पहचानेंगे, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है नहीं जानेंगे और भगवान का पूर्णतः आश्रय नहीं लेंगे, तब तक हमारी ये समस्या त्रिताप और दुख का निवारण नहीं हो सकता। तो ये स्वर्ग के लोग को भी, अरे बोलते कोई चंद्र लोग की यातना करके आए, सूर्य लोग पर ऊंच कितने भी ग्रहों में चढ़कर ये हो जाए, पर जब उनका पुण्य खत्म हो जाता उन्हें परत पृथ्वी पर आता है, फिर से नवा कर्म करना पड़ता, फिर से वो पुण्य, तो ये तो क्रिया चालू रहेगी, तो उनका सुख का तो असली मार्ग नहीं मिलेगा। जब तक जीव भगवतम अपना मूल स्वरूप प्राप्त करके मूल ध्यान धाम नहीं जाता है, तब तक उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो जीव को समझना चाहिए कि हायर डेस्टिनेशन क्या है, गोलोक धाम। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, मेरे पास जो आते हैं वो वापिस पृथ्वी पर नहीं जाते और कायम सुख शांति का अनुभव करते और शाश्वत रूप से मेरे पास रहते हैं। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो चंद्रलोक, सूर्यलोक, स्वर्गलोक वहां जाने का प्रयत्न नहीं करते, वो केवल कृष्ण की निष्काम भक्ति और सेवा करके गोलोक धाम जाने का प्रयत्न करते हैं।
और ऐसे लोग कोई प्रलोभन में फंसते नहीं है। दृढ़ निश्चय से भगवद गीता भागवतम के जो उपदेश है उसका पालन करके जीवन में केवल कृष्ण का आश्रय लेके प्रगति करते हैं। तो हमें इस श्लोक से बहुत समझ रहा है कि अर्जुन बहुत ज्ञानी था। अर्जुन ज्ञानी था तो वो बताते हैं कि पाप क्या चीज है, अपने लोग का संहार करो, अपन किसको हक मार के सुख की प्राप्ति करो, ये सब पाप है। पर भगवान अर्जुन को क्या सत्य समझाते हैं कि तू शरीर नहीं आत्मा है, ये लोग भी शरीर नहीं आत्मा है, शरीर तो नश्वर है, शरीर के जाने के बाद में आत्मा अपने कर्म से विविध योनि धारण कर सकता है। तो तू ये लोग को नहीं मारेगा तो भी मेरी एक इच्छा मात्र से मर जाते हैं, पर ये कुरुक्षेत्र का युद्ध क्या है, धर्म युद्ध है, असत्य की सत्य पर जीत है, तो तुझे मुझे साथ देना है और मैं जैसे बोलू मेरी आज्ञा का पालन करना है। यदि तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा, यदि ये अर्जुन तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा तो सुखी रहेगा, तेरा यह लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा, तू ये लोक भी सुधारेगा और परलोक भी सुधारेगा। तो मानव जात को भी बोध है भगवान के वचन का पालन करके, जो भगवान का शरण आश्रय लेता है उसका यह भी लोक सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। तो ये जो लोक है ये हमें बहुत कुछ ज्ञान देता है, सिखाता है। तो भगवान हमें भी बोल देते हैं कि हम भी कार्पण्य, हम इस दुर्बल है, कंजूस है, क्यों हमारे पास बहुत कुछ है पर हम इसका उपयोग नहीं करते। भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया है, बुद्धि दिया है, समय दिया है, शक्ति दिया है, तो भी हम क्या करते हैं, संसार के लिए, स्वार्थ के लिए, पेट भरण के लिए सब क्रियाओं का उपयोग करते, पर हम भगवत भक्ति करके भगवान को प्रसन्न नहीं करते। वास्तव में जीव क्या है, भगवान का अंश है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना, मामे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कृष्यति। जीव क्यों दुख भोग रहा है, मेरा सनातन अंश है, मेरा बालक जैसा जीव है, पर वो मेरा आश्रय छोड़ के भौतिक जगत में इंद्रिय सुख प्राप्त करने को, भोग वांछा करने को प्रयत्न करता है, करके जीव दुखी है। तो हमें बहुत बड़ा मिलता है कि ये संसार नश्वर है, मर जाओ तो तुम्हारे जो संपत्ति है, तुम्हारे सुख है, शरीर की जो तुमने जो बहुत काजू बादाम मेवा खाके तंदुरुस्त बनाया, बहुत ब्यूटी पार्लर करके शरीर को पर ऐश्वर्या दे, ये भी बूढ़ी हो जाती तो ये लगती है। हर जीव को बुढ़ापा आता है, हर जीव को बीमारी आती है, उससे कोई बच नहीं सकता। जैसे शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं, हर जीव के शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं, तो जो जन्मा है उसको मृत्यु भी निश्चित है, वही दिन से उसका निश्चित है कौन से दिन वो जाने वाला है। तो हमें नश्वर जगत, नश्वर शरीर और नश्वर भोग से हमें ऊपर उठना है और सत्य की खोज करना है। हमें सत्य की खोज करना है, मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ और मेरा धर्म वास्तविक भगवान की सेवा करना है। हम भगवान के सनातन जीव है, सनातन में क्या शाश्वत, जैसे एक अग्नि है, अग्नि का प्रकाश और गर्मी से सीधा संबंध है, अग्नि का प्रकाश और गर्मी से सीधा संबंध है, और गर्मी और प्रकाश नहीं रहेगा तो अग्नि का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक वैसे अग्नि अपना धर्म जगत को प्रकाश देती है, उष्मा देती है, वैसे जीव का भी धर्म है, हम भगवान के अंश है, भगवान से जुड़े हुए, तो हमारा नित्य धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना। जब तक जीव भगवान से जुड़ा नहीं रहेगा उसको योग कहते हैं, भक्ति योग, योग मीन्स भगवान से जुड़ना, भगवान से जुड़ने का एक ही प्रकार है, भक्ति करो और शुद्ध हृदय से भगवान की सेवा करो, निष्काम भक्ति करो, अहेतु की अप्रतिहता भक्ति करना, तब जीव भगवान से जुड़ा रहेगा। और जो जीव निस्वार्थ भगवान की सेवा करता है, भगवान उसके पर ज्यादा प्रसन्न रहते हैं और उसको भी
बोलते ना ददामि बुद्धि योगम ये माम उपा यान्ति ते, मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ अंदर में प्रेरणा करके, तू कैसे मेरे पास आएगा, तू ऐसा काम कर, तू ये रास्ता पकड़, तू ये पढ़ाई कर, तू ये गुरु के पास जा, इसका आश्रय ले और इस मार्गदर्शन से जीव अपनी सही गति प्राप्त कर सकता है। तो भगवान का आश्रय मुख्य है। और जो अर्जुन को भगवान कैसे समझाते, ये पॉइंट टू पॉइंट ये हम आज समझने का प्रयत्न करेंगे। इस अध्याय में अर्जुन को विषाद हुआ है, क्यों? मोह और आसक्ति के कारण। संबंधी से, गुरु से अर्जुन को बहुत लगाव है, आकर्षण है, करके वो युद्ध करना नहीं चाहता है। मोह के कारण उसको भय भी होता है, करे मैं मारूंगा तो मेरा पतन होगा, मेरा ये दशा होगी, वो तो भय का अनुभव करता है अर्जुन। यदि वे मेरे संबंधी और गुरु सब मर गए तो बाद में मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी तो भी मैं सुख किसके साथ शेयर करूंगा। हम भी एक गाड़ी लाते हैं ना तो देखते हैं, हमें गाड़ी में बैठे कोई चार लोग देखते हैं कि मेरे पास कितनी बड़ी गाड़ी है। तो इंसान का स्वभाव है, तुमने बंगला खरीदा तो देखते सामने वाली देखती है कि मैं बंगले में रहने को आई। तो हर इंसान का स्वभाव रहता है कि दिखावा करना, जब सुख है तो दूसरे भी देखे तो मुझे ज्यादा आनंद होता है, मेरे सुख में दूसरे भाग ले तो मुझे ज्यादा सुख होता है। आपने एक बंगला लिया, उद्घाटन के कोई नहीं आया तो निराश हो गए, पर 50 लोग आए, हाँ ये लोग ने कितनी मेरी तारीफ की, तो आपको सही सुख का अनुभव होता है। ऐसे अर्जुन को भी लगता है कि मैं इवन युद्ध करके स्वर्ग की भी सुख प्राप्ति कर लूं तो मैं शहर किसके साथ, सब मर जाएंगे तो मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। तो भगवान अर्जुन को समझाते कि भगवान अभी गुरु का पद लेते हैं अर्जुन के सामने और समझाते हैं कि, और भगवान की एक विशेषता है, जब तक शिष्य गुरु का आश्रय नहीं लेता है, गुरु के पास नहीं जाता है, तब तक उसका अज्ञान और गलत काम बंद नहीं होता है। अभी अर्जुन ने भगवान का आश्रय लिया है, गुरु बनाया है, तो हमें भी हमारे जीवन में कुछ समस्या है तो क्या करना चाहिए, ज्ञानी गुरु का आश्रय लेना चाहिए, है ना। तो भगवान अर्जुन को बोलते हे अर्जुन, तू शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा स्तर के कार्य ही तुझे सही सुख और आनंद देंगे, नश्वर शरीर की चिंता मत कर। तू जिनको मारना है वो सब शरीर मरने वाले हैं, और तू नहीं भी मारेगा तो मेरी इच्छा मात्र, मेरी दृष्टि मात्र से मर जाएंगे, लेकिन मैं तुझे श्रेय देना चाहता हूँ कि तू युद्ध करके तो तुझे क्या मिलेगा, स्वर्ग का राज्य भी मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, ऐश्वर्य मिलेगा, और सबसे ज्यादा मेरी कृपा प्राप्त होगी कि तूने मेरे वचन का पालन किया है। अज्ञानवश तू अपने को कर्ता मत समझ, तू नहीं मारेगा तो ये सब दोषी अपराधी वो नक्की मरेंगे, क्योंकि सबने अपराध किया है। भीष्म इतने ज्ञानी है तो भी द्रौपदी के टाइम सब उन्होंने अन्याय सहन किया, जब तक पांडव को इतना तो भी वो दुर्योधन को समझाया पर दुर्योधन माना नहीं तो चुप रहे। पांडवों के जीवन में कुंती माता आए थे, उनके बच्चों को बहुत सहन करना पड़ा, तभी ये गुरु भी चुप रहे। और तो फिर बोलते जिसने अन्याय किया वो मरेंगे, इसमें तू दोषी नहीं है, तुझे पाप नहीं लगेगा, तुझे फक्त तुझा तु, तेरा कर्म करना है। और ये धर्म युद्ध है, असत्य के सामने सत्य की जीत है, तो ये धर्म युद्ध करके अर्जुन को सलाह देता है, तुझे युद्ध करना तेरे हित में है। यदि तू भगवत इच्छा स्वीकार कर मेरा आदेश पालन करेगा, सही कर्तव्य कर्म करेगा, तो तेरा यह लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा, वरना दोनों लोक तेरा बिगड़ेगा और तेरा पतन होगा। अपने को कर्ता समझ कर विषाद मोह के अधीन होकर तू दुर्बलता का प्रदर्शन कर रहा है, तेरे में बहुत शक्ति है, तू उपयोग करना नहीं चाहते। सही दुर्बलता ये है, हमारे पास जो है वो हम उपयोग नहीं करते, उसको दुर्बलता बोलते हैं। और ये अज्ञान के कारण दुर्बलता का जन्म कहाँ से होता है, अज्ञानता और मोह के कारण दुर्बलता का जन्म होता है। बुद्धिमान वो है जैसे एक सैनिक है, युद्ध में
अपना कर्तव्य कर्म करता है, हजारों दुश्मन के राज्य के सैनिकों को मार देता है तो उसको पाप नहीं लगता है क्योंकि वो अपना कर्तव्य करता है। और वह वही सैनिक सामने बाजू वाले से झगड़ा होता है और जो उसको बंदूक मारेगा तो वो जेल में जाएगा। तो भगवान बोलते हैं कि धर्म के लिए युद्ध करना पाप नहीं है, उसमें तेरा पर्सनल स्वार्थ, ये लोग मर जाएंगे तो अच्छा है और पाप नहीं करेंगे और समाज में अराजकता नहीं व्याप करेगी और लोग कष्ट सहन करने से बच जाएगा क्योंकि धृतराष्ट्र और दुर्योधन के राज्य में प्रजा सुखी नहीं थी। तो ये पाप का अंत लाने के लिए युद्ध कराना था और ये करके इसको धर्म युद्ध बोलते। पर अर्जुन क्या करता है, उसको विषाद दुख कि ये मेरे सब मर जाएंगे तो मैं मुझे पाप लगेगा, तो भगवान उसे सत्य ज्ञान कराते कि ये धर्म युद्ध है। हे अर्जुन, वास्तव में तुझे अज्ञान है, इसी कारण सही कर्म क्या है तू समझ नहीं सकता है। शरीर का ज्ञान ध्यान करके आत्मा की तू अवगणना करता है, करके तू कर्तव्य विमुख हो रहा है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा दया ही सही आत्म साक्षात्कार है। तो हमें आत्मा के लिए जो काम करते हैं और सही ज्ञान का उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलते हैं वो सही कार्य है। कि शरीर तो बाहरी वस्त्र है जो हम जूना वस्त्र उतार के नवीन धारण करते हैं, संबंधी ये संबंध भी क्षणिक होते हैं। जिस शरीर स्तर के हमने संबंध प्राप्त किया है, ये मेरा मामा है, चाचा है, ताऊ है, ये सब क्षणिक संबंध है क्योंकि शरीर मरने के बाद ये संबंध नष्ट होते हैं। तो तू ये नश्वर संबंध की चिंता क्यों कर रहा है और असली कर्तव्य से विमुख क्यों हो रहा है, ऐसे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। ये तेरे जो संबंधी है वो मर भी जाएंगे तो धर्म के लिए युद्ध लड़े हैं तो वो भी उच्च ग्रह में जाएंगे, उनका कोई नुकसान नहीं है, तो तू उनके लिए शोक मत कर। धर्म के लिए जो मरता है ना उसको अच्छी गति प्राप्त होती है, उसका अवगति नहीं होती है, अधोलोक में वो लोग नहीं आते हैं। वास्तव में भगवत गीता पूर्ण मानव समाज के लिए कल्याणकारी है, जीवन जीने की एक नई दृष्टि प्रदान करती है। भगवत गीता क्या करती है ना, अच्छा और दिव्य जीवन जीने की हमें एक दिव्य दृष्टि प्रदान करती है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो इसका हमें भान कराती है कि शरीर नश्वर के काम बंद करो और आत्म स्तर के कार्य चालू करो। तो और हमें ये ज्ञान गुरु के निर्देशन में प्राप्त करना है जैसे अर्जुन ने किया है, यही हमें भगवद गीता सिखाती है कि अपने मनोकल्पित दृष्टि से हमें भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त नहीं करना है और किसको उपदेश भी नहीं देना है, हमें शास्त्र के आधार पर ज्ञान समझना है और किसी को देना है। इसे तत्वदर्शी गुरु बोलते हैं कि जिसने ज्ञान का अनुभव किया है। तो भगवान अर्जुन को समझाते कि झूठी दया, झूठा मोह, ये सब दुर्बलता है, तो इनके पर झूठी दया मत दिखा और झूठे मोह में मत फंस। और हमें भी ये बोध है कि हमें जगत की झूठी माया से दूर होकर असली कर्तव्य कर्म में आरूढ़ होना चाहिए। और जो शुद्ध चेतना, शुद्ध चेतना क्या है, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, हम भगवान के अंश हैं और भगवान द्वारा भेजे गए जीव है। क्यों यहाँ भेजे गए, हम भगवान की अवगणना करते रहे, भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते रहे। जैसे बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद देते हैं कि एक बालक है, बाप की आज्ञा में नहीं रहना चाहते, बड़ा हो गया, नहीं, अभी मुझे अलग रहना है, तो बाप क्या करता है, अलग दूसरा घर दे देता है क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते। तो बाप बोलता है, फिर बेटा बहुत दुखी होता है, बहुत कष्ट करके कमाना पड़ता है, तो फिर परत बाप के पास आ जाता है। सेम सही दशा हमारी है, हम भी भगवान से द्वेष,
और अवगणना करके ये भगवान की आज्ञा नहीं मानी, मैं बॉस, तो बाप का बाप नहीं बन सकते ना हम, बालक तो बालक रहेंगे, भगवान हमारा बाप है, भगवान के बाप बनने को जाएंगे तो हमें यहाँ फेंके, हम फेंके गए, यहाँ भेजे गए नहीं, बस जब से हमको फेंक दिया है भगवान ने कि तू ऐसा उद्धत बन के अवगणना करके यहाँ नहीं रह सकता, तो हम नीचे आने का कारण तुम समझ गए कि हम यहाँ नीचे क्यों आए हैं, ये भी यहाँ समझाया है कि हमारा अस्तित्व स्वरूप, स्वरूप क्या है, भगवान के दास है और भगवान के सेवक है, ये स्वरूप स्वरूप है हमारा, ये याद करके रहेंगे तो हमेशा भगवान के नजीक रहेंगे, भगवान के साथ रहेंगे, हम हमारा स्वरूप भूल गए, हम अहंकारवश हम भगवान के भी भगवान बनने का प्रयत्न किए, मैं भोगता हूँ ये घर मेरा, मैं ऐसे हमने जब जब अहंकार किया, भोगता वृत्ति किया, ममता ये मेरा ये मेरा, वास्तव में हमारा कोई सब भगवान के है, ये कर्म से आया, कर्म का बंधन खत्म हो गया, सब एक एक बारी बारी अपने जगह चले जाएंगे, तो ये सत्य भगवान भगवत गीता द्वारा हमें समझाते हैं कि वास्तव में जगत में सब कर्म के संबंध है, वास्तव में कोई अपना नहीं, एक केवल भगवान है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, भगवान से जुड़े रहेंगे तो ही हमारी सुखी बनने की एक रीत है, नहीं तो हम सुखी नहीं बन सकते। अभी मैंने आपको बताया कि भगवत गीता हमें सनातन धर्म सिखाता है, सनातन धर्म क्या है कि मैंने उदाहरण देके बताया कि अग्नि के साथ गर्मी और प्रकाश सदैव रहते हैं, गर्मी प्रकाश बिना अग्नि का कोई अर्थ नहीं रहता है, वैसे जीव का भी जो अस्तित्व है भगवान के बिना नहीं रह सकता है, भगवान है तो हम है, भगवान नहीं तो कुछ भी नहीं है, तो हमारा चीर सहचर मीन्स कायमी साथी कौन है, भगवान है, ये हमारा शाश्वत गुण और नित्य धर्म है कि भगवान के साथ जुड़े रहना है ना, मिर्ची तिखट रहती, करेला कड़ू रहता, साखर गोड़ रहती, तो वैसे हमारा भी एक धर्म है, स्वभाव है भगवान के, धर्म में स्वभाव, हमारा भी स्वभाव है भगवान के साथ जुड़े रहना, भगवान की सेवा करना, आज्ञान की बच्चा बन के रहना, एक जो बच्चा है ना छोटेपन से बड़े होके माँ को कभी सामने जवाब नहीं दिया, कायम माँ की आज्ञा का पालन, तो माँ क्या करेगी, उसके शिक्षण करके उसको फॉरेन तो भी भेजेगी, उसको शादी कराएगी, उसके पत्नी बच्चों की भी सेवा करेगी, मरेगी तब तक वो बच्चों की सेवा करती है माँ, है ना, वैसे हम भगवान के आज्ञा की बच्चे बनकर रहेंगे तो भगवान हमें भौतिक भी देंगे और आध्यात्मिक भी देंगे, है ना, तो केवल भगवान की सेवा, भगवान का अस्तित्व स्वीकार किए बिना हम जगत में कभी सुखी नहीं रह सकते हैं, ये दृढ़ निश्चय हमारा होना चाहिए, है ना, हमारा ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए। भगवान यहाँ ये भी बताते तुम मायावश, तुम्हारे संबंधी लोग में बहुत अटके रहते हो, सेवा करते हो, उनको जीवन पूरा अर्पण कर देते हो, पर वो लोग तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकते, ओझ बंधे हुए हैं, जो बंधा हुआ है दूसरे को क्या मुक्त कर सकेगा, तो जो मुक्त है वही दूसरे को मुक्त कर सकता है, भगवान मुकुंद है, मुक्तात्मा, भगवान मुक्ति का दाता भगवान है, तुम भगवान से जुड़े रहोगे तो तुमको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो तुमको ये 84 लाख चक्र में घूमना पड़ेगा और तुम्हारा कोई अंत नहीं है, जब जीव पूर्ण शुद्ध होकर सब सर्वगुण दिव्य गुण संपन्न होकर भगवान के लायक नहीं बनता है तब तक भगवत धाम में जीव को प्रवेश नहीं मिलता है, जैसे परदेश जाना है तो पहले क्या करना पड़ता है, तुम्हारे पास कोई अच्छी लायक का चाहिए, बड़ी डिग्री, फिर वीजा, फिर आप जाओगे, तो ये बड़ी डिग्री क्या है, भक्ति के लायक का, वीजा क्या है, दिव्य गुण कंप्लीट भक्ति के लायक, फिर भगवत धाम जाने का वीजा मिलता है, और भगवत भगवान के द्वार तक तो पहुंच गए, भगवान जब तक दरवाजा नहीं खोलेंगे अंदर प्रवेश नहीं है, तो ये दरवाजा भगवान की कृपा है, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब आप भगवत धाम अंदर प्रवेश नहीं करते, ये भक्ति का बहुत गूढ़ तत्व है, पर इसके लिए लायक बनने के लिए ये सब भक्ति योग स्वीकार करना बहुत जरूरी है, जब तक हम भगवत गीता रोज पढ़ना, उसका
अध्ययन करके उसको समझना, फिर जीवन में मैं कैसे नियम धारण कर सकती हूँ, कर सकता हूँ करके हम जब जीवन में अमल करेंगे। और प्रभुपाद हमें तो क्या सिखाते हैं, सुबह में जल्दी उठना, भगवान का गुरु आरती करो, भगवान की आरती करो, नरसिंह आरती करो, तुलसी आरती करो, और शुद्ध हृदय से भगवान की सोल माला का जप करो। और जप करने के बाद भी थोड़ा प्रसाद बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, और भोग लगाने के बाद प्रसाद ग्रहण करो, फिर शास्त्र का अध्ययन करो घर के काम ही करके। जब तक शास्त्र का अध्ययन नहीं करोगे तब तक सही ज्ञान का मालूम नहीं होगा, जीवन की सही दिशा नहीं मिलेगी, दशा बिगड़ेगी। जब दिशा सही नहीं है तो हमारी दशा बिगड़ती है, तो दशा सुधारने को दिशा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। ये भगवद गीता सही दिशा बताते हैं, तो शास्त्र अध्ययन बहुत जरूरी है। और भगवान वो भी बोलते हैं कि जैसे प्रभुपाद सबने भगवान से परंपरागत ज्ञान प्राप्त किया है, हमें भी प्राप्त करके चार लोग को देना है। जो भगवान नाम का प्रचार करता है वो भगवान को सबसे प्रिय भक्त है। तो पहले तो हमें प्राप्त करना है, समझना है, सुधरना है, जीवन में धारण करना है, फिर हमें प्रचार करना है। तो भगवान के लायक बनना, भगवान की कृपा के लायक बनने के लिए पहले मैं प्रभु जी को बोला कि ABCD नहीं आती है ना, तब तक तुम आगे दूसरे स्टैंडर्ड में नहीं जाओगे। तो ये भगवत गीता मुख्य बेस बेस है, मूल है। जब तक सब बोलते कि मुझे भक्ति करना है, ज्ञान धारण करना है, तो सब गुरु पहले बोलते भगवत गीता समझो, रोज पढ़ो। इसके जो दूसरी जो भगवत गीता आती है ना, तो खाली परपोट दो, सब प्रभुपाद ने हमारे लिए इतना सहज किया है कि जो श्लोक है इसको इतना विस्तार पूर्वक वर्णन करके फुल क्लैरिटी बताई, फुल क्लैरिटी प्रभुपाद ने बताई है, और जो साधारण भी समझ के धारण कर सकता है। तो ऐसा कोई अघरा विषय नहीं है भगवत गीता का। तो आप नवे भक्तों को प्रभुपाद पहले भगवत गीता पढ़ने का सलाह देते हैं, और खाली पढ़ना नहीं, जीवन में धारण भी करना है। और एक सत्संग का बहुत महत्व है, घर में अकेले तुम सत्संग नहीं करोगे, जब संत लोग के साथ में रहोगे तो सत्संग अच्छा होता है। देखो भरत राजा अकेले वन में गए, उनको कोई टोकने वाला नहीं था, गलती हो गई, हिरण में मन लग गया, तो परत नवा जन्म धारण करना पड़ेगा। ऐसे अजामिल का भी पतन, ऐसे बहुत लोग के, पर जो संघ में रहते हैं ना उनका नहीं होता। महाप्रभु का एक शिष्य था कालिया कालिदास, वो एक जो मंडली भोंदू लोगों की मंडली जाती थी, तो निर्विशेष ऐसा लग, तो थोड़ा जगलरी वर्ड से मोहित हो गया और उनके मंडल में। पर महाप्रभु को लगता उसने मेरी बहुत सेवा की है, वो भटक जाएगा तो उसका जन्म विफल जाएगा, तो सुधारने को महाप्रभु उसको चोटी पकड़ के लाते समझाते, तो बहुत रोता है कि अच्छा हो गया आपने मुझे बचा लिया। तो सही धर्म पालन करना, सही गुरु का आश्रय लेना, तब हमारा उद्धार हो सकता। हम सब बहुत भाग्यवान है कि प्रभुपद की संस्था में आए और प्रभुपद का आश्रय लिया, या प्योर शुद्ध ज्ञान मिलता है, प्योर शुद्ध ज्ञान और निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं है, बस तुम्हारा कल्याण करो, सुधरो और भगवत धाम जाओ, प्रभुपाद वही बोलते। तो हमें प्रभुपाद का भी पालन करना चाहिए। फिर अभी यहाँ बोलते हैं कि संसार की मूल जिम्मेदारी भगवान की भक्ति है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी जैसे जन्म हुआ ना तब से भाग जाते हैं, तो पिता उनको लेने को जाते, तो बोले कौन किसका कौन माता, मैं तो सत्य कि मैं जिसने मुझे सही जन्म दिया, जो मेरा सही प्राणनाथ स्वामी है, मैं उसकी शोध करने को वन में जाता हूँ। ऐसे कर्दम ऋषि जाते हैं तो पत्नी रोकती है, तो बोले एक बालक, तो कर्दम ऋषि ने शर्त की कि एक बालक दूंगा फिर नहीं रुकूंगा। तो कर्दम ऋषि बालक की भी, हालांकि वो भगवान थे उनके घर में, तो बोले भगवान है ना तो भी मैं माया में चला जाऊंगा और मैं सत्य की शोध नहीं कर पाऊंगा। तो कर्दम ऋषि कपिल मुनि को जन्म देने के बाद तुरंत वन में जाते हैं, अपना उद्धार करते हैं। तो ये शास्त्र समझाते कि ये सगे संबंधी उसकी माया कम करो, कोई हमको मरण के चक्र से बचाने वाले नहीं है। जब मृत्यु होता है तो इंसान को बहुत वेदना होती है, क्योंकि जो कर्म का फल तब भोगता है, तो कोई बचाने को नहीं आता है।
हमारी वेदना हमको भोगनी पड़े। हमने हमारा पूर्वजों से बहुत बोध लिया और ध्यान किया है कि हमारे पूर्वजों को भी मरते टाइम कितना कष्ट हुआ है, कोई हॉस्पिटल हॉस्पिटल में कितना चिल्लाता है, मृत्यु आता है, कोई आजू बाजू में भी कितना रिबाता है, दुख सहन करता है। तो हमें शास्त्र यही समझाता है कि मृत्यु के चक्र से, मृत्यु के बंधन से कोई छुड़ाता नहीं है। बीमार हो तो तुम्हारी वेदना तुमको भोगना है ना। तो एक भगवान हमें मृत्यु के चक्र से बचा सकते हैं, तो हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए। ऐसे भगवत गीता हमें बहुत बहुत अच्छे ज्ञान देकर हमारा जीवन की दिशा सुधारती है। पर इतना हमें भगवत गीता का आश्रय लेना चाहिए, संतों के संग में रह के हमें भगवत गीता और जो कि सत्संग करना चाहिए। संग से हमारा उत्साह बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, पहला तो फायदा हुआ है, हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है भगवान में। और घर में आप जो करेंगे ना तो मन चंचल है, ये विषय में फंस जाएगा, ये काम करो, सत्संग में तुम 1.5-2 घंटा बराबर ध्यान से भगवान में आपका मन स्थिर कर सकते हो। स्थिरता प्राप्त करने के लिए सत्संग है। जब तक स्थिर नहीं बनोगे तब तक तो विषय में मन भटक जाएगा, विषय में मन भटकेगा तो भक्ति का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। भक्ति का प्रभाव बढ़ाने को स्थिरता बहुत जरूरी। स्थिरता कब आती है? संतों के संग में, एक अभ्यास है। जैसे एक बच्चा बहुत ध्यान से 2-3 घंटा अभ्यास करेगा, फिर वो सब्जेक्ट का जो पेपर देने को दूसरे दिन जाएगा तो अच्छा पेपर लिख के आएगा। जब तक ढंग से अभ्यास नहीं करोगे तो अच्छा पेपर, हमारा जीवन का भी परीक्षा, अंतिम मृत्यु हमारी अंतिम परीक्षा है। जैसे हमने अच्छे अभ्यास करके तो हमारा पेपर भी अच्छा जाएगा। भगवान हमें नक्की भगवत धाम, उनके उंगली पकड़ के हम भगवत धाम चले जाएंगे। और समझना है कि जब तक अच्छा नियम पालन करो, जो प्रभुपाद ने बहुत अच्छे हमारे 4 नियम बताए हैं, जो 4 नियम हमारा पतन करवाता है। तो प्रभुपाद के मिशन में आने के बाद प्रभुपाद का जो जो ज्ञान है कि हमको उपदेश दिया, ये सब हमें पूर्णतया धारण करना है। जब तक हम प्रभुपाद का उपदेशों का पूर्णतया पालन नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई श्योरिटी नहीं भगवत धाम जाने की, है ना। दूसरे लोग बहुत हमको फंसाते, चलो तुमको भगवान दिखाता हूँ, चलो तुमको ये करता, पर ये सब गलत है। उसको पूछो तूने भगवान देखा है क्या? कोई जादूगर भी, एक जादूगर प्रभुपाद को बोलता कि मैं मेरे हाथ से चेन निकाल के बताता, मैं हाथ में कुंकू निकाल के, तो प्रभुपाद बोलते कि मैं ऐसा जादूगर नहीं हूं, पर मैं मानव को भगवत गीता और उपदेश ज्ञान करके भगवत धाम जाने की श्योरिटी दे सकता हूँ। तो सही गुरु कौन है, सही चमत्कार करने वाला कौन है? प्रभुपाद। क्योंकि ये दूसरे खोटे चमत्कार से हमारा कल्याण कायमी समस्या दूर नहीं होगी। कायमी समस्या दूर करनी है तो प्रभुपाद के उपदेशों का पालन करके हम जब सही भगवान के लायक बन जाएंगे, भक्ति योग का आचरण करके, भक्ति योग में स्थिर होने का है, स्थिरता भी कब आएगी ये सब नियम बताया है कि दृढ़ श्रद्धा रखो, भगवान में रुचि रखो, सत्संग करो, उत्साह से करो, और भक्ति निष्काम भाव से करो। भक्ति कोई व्यापार नहीं है, भक्ति एक आराधना है, साधना है। हमें कैसी भक्ति करना है? शुद्ध पवित्र भाव से, कि एक बच्चा कैसे निष्काम भाव से माँ की सेवा करता है, और एक माँ कैसे करती है, ऐसे हमारे में भगवान की सेवा तो शुद्ध भाव, कोई इच्छा नहीं करना है। जो इच्छा करते हो तो व्यापारी है, भगवान से थोड़ी भक्ति करते हैं, बदले में कुछ मांगते हैं। हम भिखारी नहीं, हम व्यापारी नहीं, हम भगवान के अच्छे बच्चे हैं, भगवान के प्यारे बच्चे हैं। बस भगवान का होके रहोगे तो सब प्राप्त होगा, है ना। ये भाव से हमें भक्ति करनी है और भगवान की साधना, इसे सही भक्ति बोलते, शुद्ध भक्ति बोलते। शुद्ध भक्ति में कोई इच्छा कामना नहीं रहती। ऐसे तो शास्त्र में बताया वो रिद्धि सिद्धि भी ठुकरा देते हैं, वो इवन बड़ा गुरु बनने की भी लायक का ठुकरा देता है ऐसे भक्त। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको भगवान का प्रेम और भगवान की कृपा चाहिए। इवन उसको वैकुंठ में ले जाओ तो भी बोलते नहीं वैकुंठ में भक्ति नहीं है, मैं तो यहाँ ही भगवान की भक्ति। तो शुद्ध भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता है, शुद्ध भक्त केवल भगवान का भक्ति और प्रेम मांगता है। तो हमें भी भक्ति समझना है कि भक्ति कोई व्यापार नहीं है, इसके लिए तुम मत आओ,
या और ऐसी भक्ति मत करो, बस तुम्हारा जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर भगवान की अच्छी सेवा करने को भगवान के धाम जाना, वहां जाके भी कर्तव्य तो है, जीव को भगवान की सेवा भगवत धाम में करनी पड़ती। निष्क्रिय कोई नहीं रह सकता, निष्क्रिय रहना है जीव का धर्म, काम करना है, स्वभाव है कार्यरत रहता है, तो ऊपर जाके भी भगवान की सेवा करना है। पर जब तक यहाँ तुम ट्रेनिंग लेकर अच्छे लायक बनोगे तो फिर वहां काम मिलेगा, है ना। तुम एक कंपनी में दाखिल होते हैं तो भी 6 महीना का ट्रेनिंग पीरियड रहता है, फिर तुम बराबर मास्टर बन जाओ, फिर वो परमानेंट जॉब देता है। वैसे भौतिक जगत में हम आते हैं, भक्ति स्वीकारते हैं, तो अच्छी ट्रेनिंग लेके पारंगत मास्टर बन जाने, फिर भगवान स्वीकार के हमको वहां सेवा का मौका देंगे। तो हमें एक भक्ति शुद्ध मन से केवल भगवान को प्रसन्न करना है, कोई लालच है, कोई दुख आते हैं तो लोग भगवान का आश्रय लेते हैं, दुख तो कर्म का भोग है, हम कर्म भोगते हैं करके ये दुख 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 आता है कि कर्म भोगने, फिर शुद्ध हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे फिर हमको रियलाइज होगा कि अरे हमने पाप किए थे कर्म, अभी नवा पाप नहीं करना, अभी हमें शुद्ध भगवान की सेवा करना है ना। तो ये श्लोक दो दूसरा अध्याय का 7वां श्लोक यही सिखाता है कि हमारे पास बहुत भगवान ने शक्ति और साधन दिया है, तो भी हम उसका उपयोग नहीं करके, भगवान की सेवा नहीं करके मोह में और आसक्ति में पड़े जगत की सेवा करते हैं, सही सेवा से वंचित हो जाते। तो हमारा प्रथम कर्तव्य जो अर्जुन को बोध दिया वो हमें भी बोध है कि हमारा कर्तव्य भगवान की सेवा करना है, शुद्ध सेवा, निष्काम सेवा, तब भगवान हमारे पर कृपा करेंगे। हरे कृष्ण। तो अर्जुन तो ऑलरेडी ज्ञानी था, वो क्यों भगवान की तरफ मुड़ा? क्या वो भगवान उसके रोल चेंज हो गया, या भगवान उसके गुरु बने, तो गुरु का फिर क्या महत्व है? जो ये लोग भगवान के नित्य शुद्ध पार्षद है, भगवान को कुछ लीला करना है कि मनुष्य जात को पृथ्वी पर बोध देना है, तो ये लोग को लेके भगवान आते हैं और जगत के लोगों को उपदेश देते हैं। अर्जुन को एक साधन बनाया, अर्जुन बहुत ज्ञानी है, अर्जुन की रूही रूही से कृष्ण 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 आवाज आता है, इतना भगवान के आदि, वो मोह में कैसे हो सकता है, वो गलती कैसे कर सकता है। और कभी कभी भगवान को हमें कुछ समझाना है ना, तो नित्य पार्षद को लेके आते हैं और उनको साधन बना के हमें उपदेश देते हैं। और गुरु का कर्तव्य वो है कि जो हमारा शिष्य गलती करता है उसे सही ज्ञान सही उपदेश देकर वापिस बैक टू पेवेलियन में मूल स्थान पर लाना है कि तू शरीर नहीं आत्मा है, तेरा धर्म आत्मा कौन है, परमात्मा का अंश है। तो जैसे एक बच्चा बाप के अधीन होता है, वैसे हमारा बाप कृष्ण है, हमारा रक्षक आश्रयदाता सही हितेच्छु वो सब कृष्ण है, तो उनका आश्रय लेना उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। ये स्थापित करने को भगवान ने अर्जुन को एक साधन बनाया और हमें ये समझाया। और गुरु का भी कार्य क्या है, कृष्ण भगवान समझाते हैं कि जब ही अर्जुन ने भगवान का आश्रय ले लिया तो भगवान ने उसको सही उपदेश देकर, अर्जुन लास्ट क्या बोलता है, करिष्ये वचन तव, कि हे भगवान अभी मेरा मोह शोक विषाद दूर हो गया है, अभी मैं आपका वचन का पालन करके युद्ध जरूर करूंगा, और अर्जुन ने किया, कृष्ण भगवान को साथ दिया, तो सब दुष्ट पापी लोग मर गए और युद्ध में अर्जुन की विजय हुई और अर्जुन को राज्य भी मिला, सब सुख भी मिला, और आज तक अर्जुन की कीर्ति जगत में व्याप्त है। हम अर्जुन को भगवान के शुद्ध भक्त करके समझते हैं, है ना। गुरु की क्या महत्व, मीन इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में गुरु की? गुरु एक हमारे जीवन में दिया समान है, अज्ञान का अंधकार दूर करके हमको प्रकाश में लाते हैं, कि जो हमारे नहीं करने लायक कर्म है वो बताते हैं और करने लायक कर्म बना बताते हैं। और जीवन का सही अज्ञान वही है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो समझ लो, और तुम भगवान का सेवक हो और भगवान की सेवा करना तुम्हारा सही, ये भगवत गीता का गुह्य ज्ञान है। उसमें जो 3.9वें अध्याय में बताया कि पहले कौन है, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तुम भगवान के शुद्ध अंश हो और भगवान के भक्त हो, और तुम्हारा परम कर्तव्य
भगवान की सेवा है। सवे पुंसा करो धर्म, ये भगवान अपने को भगवत गीता के श्लोक भागवतम के श्लोक द्वारा समझाते हैं कि अधोक्षज अधोक्षज कौन है, श्री कृष्ण भगवान परम पुरुषोत्तम, उनकी भक्ति करना उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। ऑनलाइन पे क्वेश्चन, अब ऑनलाइन पे क्वेश्चन, ईश्वरी माता जी पूछिए आपका सवाल क्या है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी आप इतना अच्छा बोले, ऐसा लग रहा है आप चुप ना करें, सुनते जाएं हम आपको। और बहुत बहुत शुक्रिया माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा रूपा माता जी का, इस ग्रेस कृष्णा रूपा माता जी का, कि जो आपसे आज हम कुछ सुन पाए उनकी कृपा से। और मैं क्या बताऊं माता जी, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना आपका, ऐसा लग रहा है जैसे ना आपने सब जिया हुआ है जो बोल रहे हैं आप। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो। और माता जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया ना कि कपिल महाराज हुए कर्दम ऋषि के यहाँ, तो स्वयं भगवान आ गए थे, वो हम पूछ सकते हैं या कोई हमसे पूछ सकता है कि जब उनको भगवान मिल गए उनके घर में उनके पुत्र के रूप में जन्मे, तो वो बाहर क्यों गए, फिर क्या खोजने गए बाहर, उनके तो घर में ही भगवान है, तो वो किस लिए गए बाहर, मतलब वन में क्यों गए या सन्यास क्यों ले लिया उन्होंने, घर में भगवान हो तो ये थोड़ा। हरे कृष्ण, आपका बहुत उत्तम प्रश्न है कि ये जगत को बोध देने को, मैं पहले बोली कि जब भगवान नीचे आते हैं ना तो पृथ्वी पर कोई अच्छे नियम स्थापित करने पर रहते हैं, तो उनको साधन बना के हमको उपदेश देते हैं भगवान, कि कपिल मुनि स्वयं भगवान भी घर में आए पढ़ना। हरी बोल। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। बहुत अच्छे माता जी, बहुत अच्छे से बताया आपने, थैंक यू माता जी।
हमको दिक्कत